हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस टाइम आई ऑर्डर्ड सम आउटफिट्स फ्रॉम मीशो ऑल अंडर 700 रुपीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट वन। और ये जो कुर्ता सेट है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है और इसके अंदर मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया था। बाकी इसका पूरा लुक देखते हैं। जो इसका कुर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थ्रेड वर्क के साथ रिसीव हुआ था। इसका नेक जो था वो वी नेक था और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इसमें जो थ्रेड वर्क किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। स्लीव्स पे इसके नेट लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ब्लैक कलर में तो कोई भी आउटफिट हो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बॉटम में भी इसके सेम पेच लगा हुआ था नेट वाला, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। साथ में इसकी जो पैंट थी उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा हाइट रिलेटेड। और इसकी जो बॉटम के नीचे एक प्यारी सी लेस लगी हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। पूरा सिंपल आउटफिट था लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका ट्राई ऑन देखते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड आई एम टेलिंग यू कि इसकी प्राइस और इसको देखने के बाद आप डेफिनेटली शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये जो शर्ट पैटर्न में ए लाइन कुर्ती विथ पैंट है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में रिसीव हुई है। यू कांट बिलीव इट, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। और जो इसकी ए लाइन कुर्ती है उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी। इसका जो मटीरियल था वो प्योर कॉटन था। इसका जो कलर था वो बिल्कुल डिसेंट था। शर्ट कॉलर पैटर्न में इसका जो था पूरे में बटन्स लगे हुए थे एंड तक। स्लीव्स जो इसकी थी वो आपको थर्ड फोर्थ मिल जाएगी। और साथ में ही इसका जो बॉटम था वो भी आपको सेम प्रिंट में मिल जाएगा। इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा था। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इफ़ यू वांट टू वियर इट इन ऑफिस और कॉलेज। इट इज़ सो गुड। अब जल्दी से हम इसका ट्राई ऑन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दिस 3-पीस कुर्ता सेट, जिसके अंदर आपको प्योर कॉटन में दुपट्टा पैंट और कुर्ता मिल जाएगा। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ है। इसकी जो दुपट्टे की प्रिंट है वो काफ़ी मिनिमल और सुंदर थी। और जो इसका कुर्ता था वो लॉन्ग कुर्ता था। साथ में जो इसकी पैंट थी वो बिल्कुल प्लेन थी। जो इसको वियर करने के बाद इसका लुक आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा था। तो अब हम सबसे पहले इसका ट्राई ऑन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जो मैंने ऑर्डर किया था वो एक कॉर्ड सेट था जो मुझे सिर्फ उसे 400 रुपीज़ में रिसीव हुआ था। और मैंने जो उसका साइज़ मंगवाया था वो एम साइज़ मंगवाया था। तो इसको जल्दी से देखते हैं कि ये कैसा आया है। मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसके ऊपर थ्रेड वर्क से डिज़ाइन किया हुआ था। सेम जो थ्रेड वर्क है वो उसके बॉटम में भी किया हुआ था। इसका जो नेक था वो कॉलर वाला था। ऑल्सो जो इसकी स्लीव्स थी वहाँ पे लास्ट में इलास्टिक ऐड किया हुआ था इन्होंने। और जो बॉटम की अगर हम बात करेंगे तो बॉटम की लेंथ काफ़ी अच्छी थी। और जो इसके बॉटम का जो नी वाला एरिया था वहाँ पर सेम थ्रेड वर्क से डिज़ाइन किया हुआ था। ऑल्सो इस बॉटम की जो बेस्ट पार्ट थी वो ये थी कि इसके अंदर पॉकेट भी दी हुई थी। तो अभी फटाफट से हम इसका ट्राई ऑन देख लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट आउटफिट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ कॉर्ड सेट, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। और मैंने इसकी एम साइज़ ऑर्डर करी थी। ये जो कॉर्ड सेट था वो एक शर्ट और पैंट पैटर्न में था, जिसका जो शर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर साइज था। मैंने इसमें एम साइज़ ऑर्डर किया था। लेकिन ये जो पहनने के बाद लुक आ रहा था इसको, वो लिटरली अगर ये किसी स्मॉल साइज़ में होता तो इतना सुंदर नहीं लगता। जो इसकी स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स थी और साथ में बेल्ट लगा हुआ था। इसकी जो पैंट है वो पैंट की लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। और साथ में ही इसकी पैंट में दोनों साइड पॉकेट्स भी थी। और दिखने में तो मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी इसका जल्दी से ट्राई ऑन करके देख लेते कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा।
नेक्स्ट जो कॉर्ड सेट है वो मुझे 430 रुपीज़ में रिसीव हुआ था, और ये जो कॉर्ड सेट है वो मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को ट्राई करते हुए देख लिया था, सो आई जस्ट ऑल्सो वॉन्टेड टू नो हाउ गुड इट इज़। बट जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग ये इतना अच्छा नहीं था, बट लाइक बुरा भी नहीं था, बट इट वॉज़ ओके। लाइक यू गाइस कैन सी इफ़ यू लाइक इट और नॉट। फैब्रिक जो था वो इसका रेयन था, साइज़ मैंने इसमें एम ऑर्डर किया था, और इसके ऊपर कुछ थ्रेड वर्क की डिज़ाइन बनी हुई थी, और स्लीव्स पे इसके वाइट कलर की एक लेस लगी हुई थी। सेम जो थ्रेड वर्क की डिज़ाइन बनी हुई है वो इसके बॉटम में जो लोअर पार्ट था उसका वहाँ पर भी बनी हुई थी। अभी हम इसका ट्राई ऑन देख लेते हैं कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट आउटफिट इज़ अ कुर्ता सेट, एंड इसकी जो प्राइस है वो 520 रुपीज़ है। फैब्रिक की अगर हम बात करेंगे तो जो इसका फैब्रिक था वो प्योर कॉटन फैब्रिक था इसका, और इसके अंदर मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया था। जो इसका कुर्ता था उसके अंदर फुल मिरर एंड थ्रेड वर्क किया हुआ था, यूनिक इसका था, और साथ में ही जो इसकी स्लीव्स थी उस पर लेस लगी हुई थी, और साथ में जो इस कुर्ते के बॉटम में कुछ असिमेट्रिक था जिसके अंदर अलग से एक लेयरिंग की हुई थी और बहुत सारे टेसल्स भी लगे हुए थे, कुछ लेसेस भी ऐड की हुई थी इन्होंने। मतलब ये एक फ्लैड कुर्ता सेट वी कैन से इट। और जो इसकी पैंट थी वो प्लेन थी बट उसके बॉटम में एक लेस लगी हुई थी। तो अब हम इसका जल्दी से ट्राई ऑन करके देख लेते हैं। ओके, सो द लास्ट आउटफिट ऑफ दिस वीडियो, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 420 रुपीज़ में रिसीव हुआ था, और एक ये 3 पीस कुर्ता सेट है जिसके अंदर आपको प्योर कॉटन में कुर्ता दुपट्टा एंड बॉटम रिसीव हो जाएगा, और जो उसका कुर्ता है उसके अंदर थ्रेडवर्क मिल जाएगा। और इन सभी आउटफिट्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ली, तो आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।